हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है परमल की। तो हाँ जी, परमल की बनाएंगे आज सब्जी। तो जो कि देखने में तो अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मिठाई किस किस को पसंद है? मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर इसकी सब्ज़ी भी बेहद अच्छी लगती है। तो मैंने धो के अच्छे से ले लिए हैं परमल, और ये 250 ग्राम परमल है। और इनको मैं इस तरीके से ऊपर से हल्का सा छिलका उतार दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर इसके ऊपर का ये हल्का सा छिलका हम निकाल देंगे, ऊपर से इस तरीके से रब कर देना है हमें, जिस किस तरीके से हम घिया तोरी टिंडे छीलते हैं। तो अच्छे तरीके से इनको हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल निकाल देंगे हल्का सा छिलका, और इस तरीके से लंबे लंबे कट लगा लेंगे। और बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी पसंद आएगी आपको। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से सारे परमल को इसी तरीके से हमें छीलते हुए और ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से हमें इसकी हटा देने हैं जो कट लगाकर, और इसे अच्छे से हमें कट कर लेना है। और अब ले लेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ही सरसों का तेल लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया था, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और अब इसको मैं सारे परमल को इसमें डाल दूँगी, हल्का सा शैलो फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत बढ़िया से ये बन के हमारी सब्ज़ी तैयार होती है, यकीन मानिए बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसे अच्छी तरीके से हमें इसी तरीके से शैलो फ्राई कर लेनी है। ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है, और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप इसको एज अ साइड डिश भी बना सकते हैं, एज अ सब्जी भी बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में दीजिए, रात के खाने में ये सब्ज़ी को ऐड करिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये चलिए इसी तरीके से हमें निकाल लेना है, और आलूओं को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। या आलू भी मैंने इसी तरीके से लंबे लंबे लेंथ वाइज कट करे हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्च, स्पाइसी नहीं है इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं, आप चाहे तो कम ही ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लिया है मीडियम साइज़ का टमाटर। तो इसी तेल में मैं इन आलूओं को भी अच्छी तरीके से कलर चेंज होने तक तल लूँगी, और शैलो फ्राई करके फिर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें सब्ज़ी में हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से निकाल लेते हैं शैलो फ्राई करने के बाद में, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में लगाएंगे हम इसका आगे का प्रोसेस, तड़का। यानी कि यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही तेल लिया है, और यहाँ पे 2 से 3 मैंने लाल मिर्च सूखी वाली इन्हें फ्राई कर ली हैं। और इनका क्या यूज़ होगा वो भी मैं आपके साथ में आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये अच्छे से निकाल देंगे शैलो फ्राई करने के बाद में, और इस तड़के में लगाएंगे फिर हम जीरा डालेंगे, और 1 चम्मच मैंने भर के जीरा डाल दिया है। और फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पहले हरी मिर्चों को अच्छे से हम भून लेंगे, और इनको भूनने के बाद में फिर हम ऐड कर देंगे टमाटर। ज़्यादा देर नहीं लगेगी हरी मिर्चों को भूनने में, सिर्फ़ 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा। और यहाँ पे ऐड कर देंगे टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और इनको थोड़ा सा पानी में ऐड कर दूँगी, यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी मुझे ऐड करना है। और उससे पहले मैं डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जितना नमक मुझे डालना है सब्ज़ी के लिए मैंने अभी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे डाल दिया है पानी। ये भी अच्छे तरीके से टमाटर हमारे बहुत जल्दी से और सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया बन के हो गई है तैयार। चलिए ऐड कर देते हैं ये सब्ज़ी को भी जो हमने शैलो फ्राई करके रखी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत बढ़िया से ये सब्ज़ी मिक्स करनी है हमें, ताकि ये ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन अदरक जो भी खाना चाहें वो बना डाल सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं तो हम लोग इन दिनों में यूज़ नहीं करते। तो यहीं पे ये देखिए बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पितृपक्ष में और लहसुन प्याज अगर नहीं खाते तो सब्ज़ी अच्छी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, 1 चम्मच वाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर देगी मिर्च, और 1/2 चम्मच डाल दिया हल्दी। और इन्हें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत बढ़िया सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में इसको हम अच्छे से पका लेंगे,
और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, क्योंकि हमने ये सब्ज़ियों को शैलो फ्राई करके लिया हुआ है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी का कलर आया है, और ये जब बन जाएगी तो और बहुत बढ़िया लगेगी। तो चलिए इसको ढक के पकने देते हैं, और बहुत बढ़िया से फिर ये सब्ज़ी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही है। तो ये अच्छे से भून चुका है मसाले के साथ में सब्ज़ी। तो अभी इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, तो 2 से 3 टेबल स्पून ही और मैं पानी यहाँ पे ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद में सब्ज़ी को हम ढक के पकने के लिए रख देते हैं। और बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इसको पराठे के साथ खाइए, सिंपल रोटी के साथ खाइए, चाहे आप इसको अगर चावल के साथ खाएंगे तो ये तब भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए कितनी से बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। खूब सारा डाल देंगे यहाँ पे हरा धनिया, और ये देखिए ये जो मैंने फ्राई की हुई मिर्ची ली थी उनको भी मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी। उससे पहले मैं देखिए आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया लग रही है, देखने से ही मुँह में पानी आ जा रहा है, और बन के भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। इस तरीके से बनाएंगे तो बिना लहसुन प्याज की भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए सब्ज़ी हमारी हमने सर्व कर ली है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे जो हमने मिर्ची फ्राई करके रखी है। हाँ, तो उससे पहले हमें करना है उनको यूज़ किस तरीके से, वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये देखिए जो हमने मिर्ची फ्राई करके रखी थी, इन्हें हमने क्रश करके इनके ऊपर डाल दिया। आशा करते हैं रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।